Hello, my dear students. I am your English teacher Zahid Hussain with the first poem of your English book of class matric, The Voice of God. Look at the introduction about the poet. This poem is written by Louis Israel Newman. He was born in 1893 and died in 1972. He was born in Providence, Rhode Island, USA. He studied at Brown University and after his doctorate lectured at Columbia. He is the author of many books on religious subjects. This poem brings out his religious bent of mind. So dear students, this poem, The Voice of God, yani Allah Ta'ala ki awaz, Louis Israel Newman ne likhi. ये शायर 1893 में पैदा हुआ और 1972 को फोत हो गया. ये अमेरिका के शहर प्रोविडेंस रोड आइलैंड में पैदा हुआ और ब्राउन यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री हासिल की. इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी मजहबी उनवानात पर और इस पोइम से भी हमें पता चलता है कि उनका मजहबी नुक्ता नज़र क्या है. तो आइए अभी ये पोइम पढ़ते हैं कि आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल बट गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगैन आई ड्वेल अमंग द पीपल. ये बहुत ही छोटी पोइम है तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो हम देखते हैं कि सॉट का मतलब होता है तलाश करना. ये सीक का थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है. और टॉप मोस्ट स्टीपल का मतलब होता है कोई मजहबी इमारत का कोई मीनार, गिरजाघर का मीनार या मस्जिद का कोई मीनार. और टॉप मोस्ट का मतलब होता है सबसे ऊपर वाली जगह. डिक्लेयर्ड का मतलब होता है ऐलान कर देना. ड्वेल का मतलब होता है रहना, लिव. तो मीनिंग बनती है कि आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, यानी शायर कहता है कि मैं अल्लाह ताला की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था, तलाश कर रहा था अल्लाह ताला की आवाज़ को. एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल, और इसी घर से मैं एक गिरजाघर के मीनार के सबसे ऊपर वाली जगह पे चढ़ गया. बट गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगेन, मगर वहाँ पर अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि नीचे चले जाओ. आई ड्वेल अमंग द पीपल, मैं इंसानों में रहता हूँ. तो ये जो दूसरी आखिरी दो लाइनें हैं, तीसरी लाइन और चौथी लाइन जो है, उसमें इस पूरे पोएम का मतलब समाया हुआ है कि जब शायर ऊपर चढ़ गया कि मैं ऊपर जाकर अल्लाह ताला की आवाज़ आसानी से सुन सकता हूँ, तो अल्लाह ताला ने उसको कहा कि मुझे ऊपर तलाश ना करो, मैं इंसानों में ही रहता हूँ, आप इंसानों का ख्याल करो तो मैं आपको मिल जाऊँगा. तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम बहुत ही प्यारी पोएम जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसका इंट्रोडक्शन और ये पोएम और उसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी. लेकिन मैं एक बात आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी पोएम की ट्रांसलेशन पे मत जाया करें. ठीक है, ट्रांसलेशन से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन पोएम का असल मतलब जो होता है, पोएम को एनालाइज़ करना पड़ता है. पोएम का जो उसमें मैसेज होता है ना, वो मैसेज हमें तलाश करना होता है. तो इस पूरे पोएम का जो मैसेज है वो ये है कि अल्लाह ताला तब खुश होता है जब आप अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत करते हैं. यानी द मैसेज ऑफ दिस पोएम इज़ सर्विस टू मैनकाइंड इज़ सर्विस टू गॉड. होप माई डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी. अगर आपको ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके. थैंक यू वेरी मच.